आज हम एक वफद लेके यहाँ शोपियान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आए थे, जो यहाँ की मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहिबा है, तो उनसे हमने बात की है कि उन्होंने जो हमारा ये पार्क का मसला था, तो उन्होंने उसी टाइम लेटर लिखी तो आरएनबी वालों को भेज दी। तो एक पार्क यहाँ जो इसकी सख्त मजबूरी थी यहाँ पे, क्योंकि बीमार और तीमारदार बहुत परेशान होते थे कि जगह नहीं थी, तो शुक्र अल्लाह का, तो उसने उसी टाइम उस पर कार्रवाई करके आज हम बहुत खुश हैं कि वो पार्क भी बनने जा रही है। तो दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि यहाँ जो इको मशीनरी लगी हुई थी, तो उसके लिए एक कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने हमें ये यकीन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट तैनात होगा। तो यह हमारे शोपियान के लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। और दूसरा जो देखा हमने कि ओपीडी में बहुत ज़्यादा रश रहता था, तो इस सिलसिले में उनसे बात की हमने, तो उन्होंने उस पर 3 और ऑपरेटर यहाँ मुकर्रर किए हैं कि क्योंकि जो बीमार लोग आते हैं उनको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम आपके माध्यम से डीसी साहब से भी ये पूरी उम्मीद थे कि उनसे भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि दूसरी जो फैसिलिटी है यहाँ पे, जो जिसका शोपियान के लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि यहाँ एक जो लैब कायम करनी थी वो भी कायम हो गई। जो अब शोपियान के लोगों की जो डिमांड थी वो थी सीटी स्कैन की, तो ये भी भरोसा दिया है उन्होंने, 1 महीने के अंदर अंदर शोपियान अस्पताल में वो बिल्कुल कंप्लीट होके काम फंक्शन करना शुरू करेंगे। इसलिए हम ये सेमो साहब के भी बहुत ही शुक्रगुजार है और अपनी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहिबा के भी बहुत शुक्रगुजार है। आज जो लोग आए वही इसी सिलसिले में हम आए यहाँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो साहिबा है यहाँ पे, उसी के उसी सिलसिले में हम उनसे मिलने